अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम मुहर्रम स्पेशल दलीम बनाएंगे, इसे खिचड़ा भी कहते हैं। इसमें हम एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी मटर की दाल, एक कटोरी मलका मसूर, एक कटोरी छिलकों वाली उड़द की दाल, एक कटोरी छिलकों वाली मूंग की दाल, एक कटोरी चावल और एक छोटी कटोरी अरहर की दाल डालेंगे। अरहर की दाल ज़्यादा डालने से टेस्ट बिगड़ जाता है। और इतनी दालों में हम आधा किलो जौ की गुरी डालेंगे और 250 ग्राम गेहूं की गुरी डालेंगे। आप लोग बराबर भी डाल सकते हो, तो गेहूं और जौ की बराबर तादाद में डाल सकते हो। जितनी दालें हमने भिगाई हैं, ये भीगने के बाद दुगनी हो जाती है, इसलिए हम इसे आधा आधा करके दो बड़े कुकर में उबालेंगे। इतनी दाल को उबालने के लिए हम इसमें करीब 4 चम्मच नमक, 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबालेंगे। दालों को उबालते वक्त इसमें करीब 2-2 चम्मच तेल डालकर उबालिएगा, इससे दाल निकलेगी नहीं। अलीगढ़ में बिना छिलकों वाली दालों से खिचड़ा बनता है और हमारे इलाहाबाद में छिलकों वाली दालों से खिचड़ा बनता है, इसलिए हम छिलकों वाली दालों से ही खिचड़ा बनाते हैं। दालों को थोड़ा कम टाइम तक उबालिएगा और इसे एक आध बार बीच में खोलकर देख लिएगा, नहीं तो दालें लग जाएंगी। दालों को उबल जाने के बाद इसे हम खाली कर लेंगे एक बड़े भगोने में। दालों को हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाते, थोड़े खड़ी खड़ी दालें अच्छी लगती हैं। सारी दालें एक भगोने में खाली करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब हम गुरियों को गलाएंगे। गुरी को बड़े कुकर में गलाएंगे। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 ही चम्मच धनिया डालेंगे, 1.5 चम्मच मिर्च कुटी हुई डालेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे। खिचड़े में हम 2 किलो गोश्त डालेंगे। हम 4 मीडियम साइज की प्याज लेंगे और 1/2 किलो टमाटर लेंगे, इसे बारीक काट लेंगे। अब हम एक कुकर में करीब 200 ग्राम तेल डालेंगे। हमने सरसों का तेल लिया, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम 4 तेज़पात डालेंगे और कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। हम इसमें करीब 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 3 ही चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे ढककर भूनेंगे। मसाला भून जाने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ मसाला अच्छे से भून जाने के बाद अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। एक सीटी फुल पे और 3 सीटी कम पे पका लेंगे। गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। हमारा गोश्त गल के तैयार हो गया है। अब इसको हम दाल में मिला देंगे। दाल में ही गुरी भी मिला देंगे। अब इसमें 5-6 मिर्चें काट के डाल देंगे। इसे अच्छे से खूब चलाएंगे। खिचड़े को मुस्तकिल चलाना है, नहीं तो खिचड़ा जल जाएगा। और खिचड़े को फुल आंच पे रखेंगे और इसमें करीब 3-4 नींबू काट के डाल देंगे।
में कटोरी में आधा कप पानी लेंगे और इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला 5-6 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अगर गरम मसाला डायरेक्ट डालेंगे तो गांठें रह जाती हैं। खूब अच्छे से चलाने के बाद इसे अब हम खिचड़ी में डाल देंगे। खिचड़ी में गरम मसाले को डालने के बाद खूब देर तक अच्छे से मिलाएंगे। मसाले को खिचड़ी में डालने के बाद खूब अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम करीब 15 मिनट तक और पकाएंगे। खिचड़ी को हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे। हमारा खिचड़ा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम करीब 4 ढक्कन केवड़ा डालेंगे। केवड़ा डालने के बाद गैस बंद कर देंगे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से। खिचड़े को काला नमक और भुने जीरे के पाउडर को मिलाकर नींबू के साथ खाएं, बहुत अच्छा।